नमस्कार। तो व्यूअर्स, आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल बोर्ड के अंडर में एचएस फर्स्ट ईयर पे ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए दर्पण ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल दोबारा ओपन किया गया है। तो अगर आप एचएस फर्स्ट ईयर पे एडमिशन लेना चाहते हो तो दोबारा या न्यूली एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो किसी कॉलेज या स्कूल पे। ओके, तो मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरह आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें ताकि अप्लाई करते वक्त तो ऐसा भी मिस्टेक ना हो, और उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलिए व्यूअर्स, मैं आपको दिखाता हूँ जिस कॉलेज में एडमिशन किस तरह लिया जाता है। ओके, तो व्यूअर्स, न्यूली एंड दोबारा अपना एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हो किसी कॉलेज या स्कूल पे एचएस फर्स्ट ईयर पे एडमिशन लेने के लिए, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कीजिए, यानी दर्पण ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए कंटिन्यू एज स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पे देखिए जो कंटिन्यू एज इंस्टीट्यूट लिखा है, तो आप कंटिन्यू एज स्टूडेंट बटन पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू स्टूडेंट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लॉगिन पेज ओपन होगा। अगर आप लॉगिन कर चुके हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एंड 4-digit पिन नंबर देके आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आप न्यूली एडमिशन लेना चाहते हो, न्यूली एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हो, तो न्यूली रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिए, नीचे देखिए रजिस्टर ए न्यू अकाउंट, इस बटन पर आप क्लिक कीजिए। ओके, न्यू अकाउंट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दर्पण स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। यहाँ पे अपना सिलेक्ट बोर्ड सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद 10th क्लास एग्जामिनेशन पास यहाँ पे पासिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद यहाँ पे नंबर दीजिए, 10th क्लास का नंबर यहाँ पे दीजिए, इसका परसेंटेज यहाँ पे दीजिए, इसके बाद फुल नेम दीजिए, इसका गार्जियन नेम यहाँ पे दीजिए, इसका 10-digit मोबाइल नंबर दीजिए, जो पुराना जो मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर देने की यहाँ पे जरूरत नहीं, आप न्यू मोबाइल नंबर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे 10-digit मोबाइल नंबर दोबारा आप यहाँ पे डायल कीजिए, सॉरी यहाँ पे टाइप कीजिए, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दीजिए, इसके बाद ईमेल आईडी अगर हो तो आप दे सकते हो, अदरवाइज ये स्किप कर सकते हो कलम। इसके बाद नेशनलिटी आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चॉइस, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चॉइस करने के बाद यहाँ पे देखिए एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पे अपना फुल एड्रेस यहाँ पे दीजिए, परमानेंट एड्रेस या करस्पॉन्डेंट एड्रेस यहाँ पे दीजिए, इसके बाद रिलीजन यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद कास्ट सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद यहाँ पे जो एबिलिटी वेदर बिलोंग टू स्पेशल एबल कैटेगरी यहाँ पे यस और नो आप दीजिए, इसके बाद यहाँ पे टी ट्राइब कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो या नहीं यस और नो यहाँ पे टाइप कीजिए, इसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो या यस और नो यहाँ पे टाइप कीजिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए एनसीसी से आपने कई सर्टिफिकेट है तो आप यस और नो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड कीजिए, अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट होना चाहिए, इसका मैक्सिमम साइज 1 MB होना चाहिए, तो ब्राउज में क्लिक करके आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड कीजिए, इसके बाद नीचे यहाँ पे अपना सिग्नेचर या फिर सॉरी 10th पास मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कीजिए, इसका भी जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट होना चाहिए, इसका मैक्सिमम साइज 1 MB होना चाहिए, ब्राउज में क्लिक करके आप अपलोड कीजिए, इसके बाद नीचे देखिए स्क्रॉल कीजिए, 4-digit पिन नंबर आप चॉइस कीजिए, 4-digit पिन नंबर चॉइस कीजिए, इसके बाद कंफर्म 4-digit पिन नंबर यहाँ पे चॉइस कीजिए, इसके बाद यहाँ पे जो डिक्लेरेशन पेज है यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक मार्क कीजिए, इसके बाद नीचे देखिए रजिस्टर बटन में, इस रजिस्टर बटन पे क्लिक कीजिए, उससे पहले फ्रेंड रजिस्टर बटन पे क्लिक करने से पहले फ्रेंड्स ये फॉर्म दोबारा केयरफुली एक बार चेक कीजिए कहीं पे आपने मिस्टेक किया या नहीं, अपना 4-digit पिन नंबर कितना दिया है आपने चेक कर लीजिए, इसके बाद आप रजिस्टर बटन पे क्लिक कीजिए। ओके, तो रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पॉपअप मैसेज शो करेगा, यहाँ पे देखिए आर यू श्योर टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, तो आप सिंपली ओके बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके साथ अपना प्रोफाइल ओपन होगा एंड डैशबोर्ड ओपन होगा, डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा आपका मोबाइल नंबर एंड अपना 4-digit पिन नंबर, पूरा लॉगिन डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा, एंड यहाँ पे लिखा रहा है सर्च कॉलेज नाउ एंड सबमिट एडमिशन एप्लीकेशन, यानी आपको बोला जा रहा है आपने सर्च कॉलेज सर्च करने के लिए एंड अपना एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए बोला जा रहा है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कॉलेज सर्च करके एंड जिस कॉलेज में किस तरह मैं एप्लीकेशन सबमिट करता हूँ आप देखिए। ओके, तो वीडियो का पूरा लास्ट तक देखिए, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिए। तो कॉलेज सर्च करने के लिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट कॉर्नर पे 3-dot लाइन है, इस लाइन पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए कॉलेजेस लिखा है, इस पर आप क्लिक कीजिए, इसके बाद यहाँ पे बहुत सारा कॉलेज यहाँ पे नेम शो करेगा, तो आप अपना कॉलेज चॉइस करने के लिए यहाँ पे देखिए सर्च नेम और कॉलेज कोड यहाँ पे आप टाइप कीजिए, अपना कॉलेज का नेम टाइप कीजिए, जिस कॉलेज में आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हो उसी कॉलेज यहाँ पे टाइप कीजिए, मैं जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ GC कॉलेज, इसके बाद यहाँ पे सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए GC कॉलेज यहाँ पे शो कर रहा है, तो GC कॉलेज में आर्ट्स साइंस कॉमर्स पे आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, यहाँ पे देखिए इनका GC कॉलेज का यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप, अगर प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ से प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको देखा तो GC कॉलेज में किस तरह एप्लीकेशन सबमिट किया जाता है, तो GC कॉलेज एडमिशन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है इस पिक्चर के ऊपर क्लिक कीजिए,
इसके बाद जिसी कॉलेज का प्रोफाइल डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा, देखिए यहाँ पे स्ट्रीम क्या क्या स्ट्रीम प्रोवाइड किया जा रहा है, आर्ट साइंस कॉमर्स स्ट्रीम प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप कौन सा स्ट्रीम पे एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हो यहाँ पे आप चॉइस कीजिए, आर्ट्स स्ट्रीम कॉमर्स स्ट्रीम एंड साइंस स्ट्रीम, कौन सा स्ट्रीम पे आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हो तो सिलेक्ट कीजिए। तो मैं पहले यहाँ पे आर्ट स्ट्रीम सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सीट कैपेसिटी है 320 सीट कैपेसिटी है एंड ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, वन एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है इसमें। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे देख क्या क्या सब्जेक्ट ये इस कॉलेज से प्रोवाइड किया जा रहा है एडवांस बंगाली, यहाँ पे देखिए सारा सब्जेक्ट का यहाँ पे नेम है, तो यहाँ से आप चॉइस कर सकते हो। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, तो एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए यहाँ पे देखिए ऊपर स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे देखिए अप्लाई इन आर्ट्स स्ट्रीम लिखा हुआ है, इस बटन पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ से आपको सब्जेक्ट ऑफ प्रेफरेंस यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ से आप सब्जेक्ट चॉइस कीजिए। ओके इसके बाद रिमार्क्स में कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। इसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर एडमिशन, इस बटन पे आप सिंपली क्लिक कीजिए। इसके बाद यू हैव अप्लाई सक्सेसफुली दिखा रहा है, यहाँ पे एआरएन नंबर दिया गया है एंड ये नंबर आप स्क्रीनशॉट करके रखिए एंड अदरवाइज नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे देखिए डाउनलोड रिसीव कॉपी दिखा रहा है, इस डाउनलोड रिसीव कॉपी के क्लिक करके आप रिसीव कॉपी डाउनलोड करके रखिए फॉर फ्यूचर के लिए। ओके तो व्यूअर्स इस तरह आप वेरी इजीली कोई भी कॉलेज में एचएस फर्स्ट ईयर पे ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। इसके ऊपर और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट से मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों का रिप्लाई डेफिनेटली दे दूंगा फ्रेंड्स। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा इसी चैनल से। ओके थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।